सभी लोग भाई कमेंट कर रहा था, लेकिन भाई आरएच को भाई फुल मॉडिफिकेशन को हटा के भाई स्टॉक पे रखो, स्टॉक पे रखो, ऐसा बहुत कमेंट भी आया था। लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, सब कुछ जेट सब कुछ मैंने चेंज भी कर दिया भाई, जो भी पार्ट बोलो भाई। तो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड गाइस। तो कैसे हो आप सब? तो सभी लोग भाई कमेंट कर रहा था, लेकिन भाई जो RX100 मेरा है, मैंने भाई जो मॉडिफिकेशन मैंने किया था, लेकिन उसको हटा के भाई मैंने RX100 को फुल स्टॉक पे रखा है मैंने। तो देखो कि तो भाई एकदम से क्लैरिटी आ जाएगी गाइस। तो कोई बात नहीं गाइस, तो जो भी है सब कुछ आपको दिखाऊंगी गाइस। बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, सब कुछ A to Z सब कुछ मैंने चेंज भी कर दिया भाई, जो भी पार्ट बोलो भाई, हैंडल बोलो, इंडिकेटर बोलो, सीट बोलो, जो भी बात बोलो भाई, सब कुछ मैंने चेंज भी कर दिया गाइस। कोई बात नहीं गाइस, आज तो भाई फुल मजा भी आ जाएगा, तो फिर आपको दिखाते हो गाइस। 1 2 3 हेलो भाई, देख सकते हो भाई मैंने भाई जो भी किया है सब कुछ भाई चेंज भी कर दिया, देख सकते हो भाई सबसे लास्ट में इसको लगाया है मैंने। बहुत दिन से भाई कोशिश भी किया था, लेकिन सब कुछ चेंज करने के लिए। इंडिकेटर भी देख सकते हो भाई, इसको मैंने लगा दिया, इसको मैंने लगा दिया। ये भाई पुराना वाला है, नया वाला अभी तक नहीं मिला मुझे, तो लेकिन फिर मिल जाएगी जल्दी जल्दी, ये भी चेंज कर देंगे। ये तो अभी चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हिलता है भाई, बाइक को फिर से भाई कलर करना पड़ेगा। कौन सा पाई पेंट करेंगे वो भी देखेंगे। ये जो कलर है बहुत दिन से मैं रह चुकी है, लेकिन इसको भाई मैं कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर दूंगी भाई। इसको मैंने लगाया और ये भी लगाया था, ये वाइब्रेशन के कारण पे भाई ये देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा है भाई। एक शॉट ले लेती हूँ भाई। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. आज मैं इसमें राइड पड़ेगी, तो देखते हैं कैसा लगता है भाई। तो बहुत ही बड़ा लग रहा है, वो जो डाउन वाला हैंडल था वो बहुत ही बेस्ट था ऐसा लग रहा है। तो इसमें भाई फुल पावर, ओह जो प्रीमियम चक्का पे लगता था, जो मीटर का काम आता था वो थोड़ा सा लूज हो गया, ऐसा बात है। ये ऐसा जैसा हिल रहा है, तो अभी 60 के ऊपर चल रहा है किंतु, लेकिन इसका स्पीड भी दिखा रहा है भाई 40 के ऊपर, वैसी और कुछ नहीं दिखा रहा है भाई। थोड़ा सा भाई बाइक को भागाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, बहुत दिन से मैं भागाया नहीं। आज छोटा मोटा भाई राइड भी करेंगे, थोड़ा अलग रूट पे जाएंगे और देखते हैं भाई इसका फील भी लेंगे और ऑफ रोडिंग का भाई मज़ा भी लेंगे, क्या बोलते हैं। ये जो बड़ा वाला हैंडल मैंने लगा दिया भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक वाला लग रहा है और कुछ नहीं। छोटा वाला रास्ता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन कूल भी है रास्ता। मेरा काटा भाई डिस्टर्ब कर रहा है, जो उठने का बात है, लेकिन अभी तक उठ नहीं रहा है भाई। 20 के ऊपर चल रहा है, लेकिन इतना स्पीड में भाई कभी भी 20 नहीं चलता ही भाई। इस बाइक जिसके पास भी है सही जानता है भाई इसका प्रॉब्लम कैसा है। छोटा छोटा बबल्स भी है यहाँ पर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक न्यूज़ मैंने देखा है भाई, R1M जो भाई लॉन्च करने वाले थे इंडिया में, भाई लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन उसका सेल बहुत ही ज़्यादा कम है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भाई कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं करते उस बाइक को, इंडिया पे नहीं मिलेगी। और जो भी भाई इंडिया में बाइक भी है R1 का हाई स्पीड बाइक, तो उसको भाई कोई भी दिक्कत आती है तो भाई पार्ट्स वगैरह कुछ नहीं मिलता, तो लेकिन वो भी भाई बहुत ही ज़्यादा कहाँ से आ रहा है भाई। इसलिए भाई R1 सभी लोग अवॉइड भी कर रहा है। एक भी भाई देखा है मैंने R1M बहुत ही ज़्यादा खास लगता था, तो इंडिया में लॉन्च नहीं करेंगे, बैंड नहीं है लेकिन इंडिया में लॉन्च नहीं करेंगे भाई। ये भी देख सकते हो बहुत पुराना बाइक है, लेकिन भाई बैंड भी हो चुके हैं इंडिया में। इसका जो पार्ट्स होता है ना मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता, बहुत कोशिश भी करने के बाद भी भाई मिलता है, लेकिन ओ मज़ा आ गया। पास में भाई एक स्कूल है, छोटू साइड दे दे भाई, ये भी देख सकते हो भाई। ये तो रास्ता बहुत ही टूटा फूटा है। तो बाइक में तेल है क्या नहीं है देखते हैं भाई, लेकिन कभी कभी भाई सेज भी हो जाती है, बहुत हिला के देखना पड़ता है भाई। आइडिया भी हो गया कि कितना दूर तक जाएगी कितना दूर तक नहीं जाएगी,
इतना भाई कॉन्फिडेंस हो गया, लेकिन कभी कभी भाई कॉन्फिडेंस भी फेल हो जाती है। जब भाई बाइक को मैं खींचती हूँ बहुत जोर से भाई तेल पीती है, क्या बात है आपको। एक को देखो भाई सब धूलो उड़ा के चला गया, तो लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे, सब स्कूल पे जा रहा है ना। इस रास्ते तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया, ऑफ रोडिंग करने का अलग एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो इस रास्ते पे नहीं आ पाऊंगी। अरे भाई साइड ही नहीं दे रहा है मुझे, ऐसा बात है। ए छोटू हाय, ओ एक बार तो रास्ते पे गिर जाऊंगी तो भाई उठ नहीं पाऊंगी, ऐसा बात है, हालात भी बहुत खराब हो जाएगा। इधर पे रिएक्शन देख सकते हो। ये टोटो वाला आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? थोड़ा टारेंगे गाइस, बबल्स और एक बबल्स। घूमने रे भाई, घूमने आस्ते आस्ते। ओ भाई किधर से जाना पड़ेगा भाई, जिधर जिधर व्हाइट का निशान है उधर जाएंगे। ओ पहाड़ी का मजा ले लो, ऑफ रोडिंग का मजा। ये तो बहुत बड़ा हैंडल है ना, इसलिए इतना कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओ तो अभी भाई पोपर बुढ़ा पे आ गया।